रूस और यूक्रेन के बीच जंग के 28 महीने पूरे होने वाले हैं। इस जंग को खत्म करने से जुड़े विकल्पों पर चर्चा करने के लिए स्विट्जरलैंड में 15 और 16 जून को यूक्रेन पीस समिट का आयोजन होगा। इसके लिए 90 देशों और उनके संगठनों के नेता और अधिकारी एक मंच पर इकट्ठा होंगे। रूस ने सम्मेलन में शामिल होने से इनकार कर दिया है। स्विट्जरलैंड की राष्ट्रपति वियोला एमहर्ड ने सोमवार को कहा कि रूस के इनकार करने के बावजूद समिट का आयोजन होगा। समिट को लेकर भारत का रुख अभी तक साफ नहीं है। बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड और नॉर्वे ने यूक्रेन को 60 से ज्यादा अमेरिका निर्मित F-16 लड़ाकू विमान मुहैया कराने का वादा किया है ताकि उसे रूसी हमलों का मुकाबला करने में मदद की जा सके। यूक्रेन अपने पश्चिमी सहयोगियों से मिलने वाले F-16 लड़ाकू विमानों में से कुछ को विदेशी एयरबेस पर रख सकता है ताकि रूसी हमलों से उन्हें बचाया जा सके। यूक्रेनी सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। रूस में घुसकर यूक्रेन ने तबाह किया सुखोई 57। नेटो इस फाइटर जेट को हत्यारा कहता है। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा एयरबेस को हुआ नुकसान। गाजा जंग में नेतन्याहू को झटका लगा है। बंधकों को वापस लाने और इसराइल की सुरक्षा के लिए कोई ठोस रणनीति ना होने की वजह से गठबंधन सरकार के मंत्री बेनी गेंट्स ने अपने पद से दिया इस्तीफा। कहा जा रहा है कि गेंट्स की 6 शर्तें थीं जिन्हें नेतन्याहू पूरा नहीं कर सके। गेंट्स की शर्तों में मुख्य था बंधकों को घर वापस लाना, हमास शासन को खत्म करना, गाजा पट्टी को असैन्य बताना और गाजा को इजरायली सुरक्षा के कंट्रोल में लेना। इजरायली सैनिकों ने अल जजीरा के लिए लिखने वाले पत्रकार अब्दुल्ला अल जमाल को मुठभेड़ में मार गिराया। उसने अपने घर में रिहा कराए गए 4 लोगों को बंधक बनाकर रखा था। छुड़ाए गए बंधकों में 25 साल की नोआ अर्गमानी भी है। सऊदी अरब ने साफ कर दिया है कि हज यात्रा के दौरान किसी भी तरह की नारेबाजी की इजाजत नहीं दी जाएगी। माना जा रहा है कि सऊदी अरब के हज मंत्री ने इसराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को ध्यान में रखते हुए यह बयान दिया। कहा जा रहा है कि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के आदेश की वजह से नारेबाजी पर रोक लगाई गई है। सऊदी ने हाल ही में छात्रों के पाठ्यक्रम से इसराइल विरोधी कई पाठ्यक्रमों को भी हटाया है।